प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन खरीद मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भेजा है। इस बात की पुष्टि आज प्रियंका गांधी ने की। उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार ने ये नोटिस मीडिया को पहले लीक किया। प्रियंका गांधी नाराज हैं इस बात से नहीं कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है, बल्कि इस बात से कि उनसे पहले ये नोटिस मीडिया के पास कैसे पहुंचा। दरअसल नोटिस में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को नोटिस भेजकर बीकानेर की एक लैंड डील में हुए फाइनेंशियल एक्सचेंज की जानकारी मांगी है। बीकानेर के तहसीलदार ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कम कीमत पर जमीन खरीद की शिकायत दर्ज कराई थी। तहसीलदार की शिकायत पर वाड्रा से संबंधित कंपनी स्काईलाइट के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। जब एजेंसीज जांच कर रही हैं, सबूत ढूंढ रही हैं और नोटिस भेजते हैं तो उस समय थोड़ी ना कह सकता ये राजनीति से प्रभावित है। एजेंसीज को काम करने देना चाहिए। लैंड डील का ये मामला बीकानेर की कोलायत तहसील में फर्जी तरीके से 275 बीघा जमीन को गलत ढंग से बेचे जाने का है। इस जमीन को वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने 2010 में खरीदा था। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर 79 लाख में इस जमीन को खरीदकर 5 करोड़ 44 लाख में बेचे जाने का आरोप है।